ब्रीदिंग सेंटर इनिशिएट्स वेंटिलेशन इन रिस्पॉन्स टू। अब एनसीईआरटी की एक लाइन है ना, हमारे एनसीईआरटी ने क्या बताया है, हमारे पास बहुत चैप्टर्स ठीक है, हमारे पास जैसे जिनको हम चैप्टर्स चैप्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं, कीमो चैप्टर्स आपको मेडुला के पास मिल, और आपको एओटिक आर्च है ना, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एक तो मेडुला मिल रहा है और इसके अलावा और कहाँ मिल रहा है आपको, ऑन एओटिक आर्च मतलब एओटा का जो आर्च है एंड कैरोटिड आर्टरी पर भी मिल ठीक है। और ये करते क्या है, हमारा जो का लेवल है CO2 का लेवल है, CO2 लेवल को और एच प्लस लेवल को डिटेक्ट करते हैं। सीओ टू एंड एच प्लस कॉन्सेंट्रेट ठीक है, तो ये हमारे इन की चैप्टर्स का फंक्शन है। जैसे ही एच प्लस का लेवल जो है बढ़ता है, ये कीमो रिसेप्टर्स हमारा जो मेडुला के है आरआरसी है सिग्नल सेंड कर, तो वो फिर क्या करता है मॉड्यूलेट करना मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है आरआरसी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अ डिक्रीज एयर प्रेशर हुआ, अ डिक्रीज ओ2 नहीं, इन चैप्टर्स के लिए एक स्टेटमेंट और बोला गया है, वो क्या है, ओ2 की कॉन्सेंट्रेशन का जो है इट इज क्वाइट इन, तब ओ2 की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं कि चैप्टर एनसीईआरटी का कौन ठीक है। तो ओ2 का रोल जो है क्वाइट इन इनसिग्निफिकेंट है इन रेगुलेशन, ये भी नहीं आएगा। एंड इन ब्रीज ओ2 बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा, एच प्लस जब इन आएंगे तो हमारा जो है वो वेंटिलेशन क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, और कैसे नहीं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज का एल्विला है, ये भी नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, और इसको हम कैटेगरी